हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स रूल्स के बारे में। किरचॉफ के ने दो रूल दिए। अभी तक आपने जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए पढ़े, होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। उसके वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं जब सिंपल सर्किट होगा तो। अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने दो रूल दिए, जिससे कि सॉल्व करना, करंट वैल्यू निकालना, वोल्टेज की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। किरचॉफ सेड इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्स इंटरकनेक्टेड इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर में अगर कनेक्टेड हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो रूल्स दिए हैं, दैट रूल्स आर कॉल्ड किरचॉफ्स रूल्स। तो किरचॉफ ने दिए, इसलिए इनका नाम किरचॉफ रूल पड़ा। फर्स्ट उसका रूल था जंक्शन रूल। जंक्शन रूल मींस एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट इन ए सर्किट एट एनी इंस्टेंस। मतलब किसी भी पॉइंट पे, जिस तरह से ये पॉइंट जंक्शन है, यहाँ पे अगर हम टोटल करंट निकालते हैं I1 प्लस I3 प्लस I2 तो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। जीरो क्यों? जितना करंट इसमें से निकलेगा उतना ही करंट इस जंक्शन पे जाएगा। जैसे यहाँ पे तीन करंट निकल रहे हैं, I1 I2 और ये I3 करंट यहाँ से आ रहा है क्योंकि यहाँ बैटरी लगी हुई है, तो दिस करंट इज कमिंग। सो इसमें हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू जीरो। इस तरह से हर पॉइंट पे टोटल करंट जो वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो एट एनी जंक्शन पॉइंट। दीज आर कॉल्ड जंक्शन पॉइंट्स। दूसरा रूल है लूप रूल। लूप रूल मीन्स द अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप कंटेनिंग रेजिस्टर एंड सेल इज जीरो। अब इसी सर्किट में अगर आप कोई भी लूप ले लेंगे, जिस तरह से ये इन्होंने मैच लिया है, ये हम अपने आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक लूप ले लो या यहाँ पे लूप ले लो, इसमें जो भी टोटल वोल्टेज हम निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो। वो लूप रूल है। सपोज करिए आपने ये लूप लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एज्यूम द करेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे करेंट डायरेक्शन एज्यूम की है इन्होंने I1, I2 और I3। I3 यहाँ से करंट आ रहा है, फिर यहाँ से I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर यहाँ से I2 फ्लो करता है पूरा, और फिर यहाँ इस जंक्शन पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ से ये जंक्शन पॉइंट आ गया, यहाँ से फिर ये अंदर I3 करंट जा रहा है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो I1 होगा, दैट विल गो थ्रू दिस फुल लूप I1, और यह इस जंक्शन से ये अंदर जाएगा। तो यहाँ से I2 और यहाँ से I1 वापस आ रहा है और इस बैटरी के थ्रू I3 फ्लो करता है। तो जब आपको बाकी वैल्यूज निकालनी हैं, वोल्टेज, करंट, तो उस केस में आप लूप लगा के हर एक रेजिस्टर्स को ले यूज़ करके इस लूप्स को सॉल्व करेंगे तो आपको I1, I2, I3 सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्लियर जो हम लोग ने सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखे उसके थ्रू इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे आप एक लूप लेंगे ए, एच, डी और बी और ए, ए एच डी बी और ए, ये पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से हम चलेंगे तो ये बैटरी यहाँ से आती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन हम IR का डायरेक्शन लेंगे माइनस। तो माइनस ये, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, माइनस यहाँ से जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए लूप तो माइनस I1 30 I1 IR, R इज 30, I1 इज करंट 30 I1, दिस विल बी माइनस 30 I1। देन आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाती है बैटरी, तो दिस विल बी गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 45। फिर आगे जाएंगे तो ये रेजिस्टर आ गया फिर से, तो यहाँ पे करंट I3 है तो ये होगा माइनस I3। फिर आगे जाएंगे तो माइनस 40 I3, इस तरह से इक्वल टू जीरो। इस तरह से पूरा ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे लूप्स भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस IR क्यों लिया है हमने और प्लस एप्सिलॉन क्यों लिया है,
अगर आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव को नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमने अज्यूम किया है कि एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, तो इसकी आईआर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज वी इज इक्वल टू ई माइनस आईआर होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से उसको अज्यूम कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द किरचॉफ्स रूल। इस किरचॉफ्स रूल को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके बाद के जो दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 3.6, 3.7, यू ऑल्सो गो थ्रू दैट। यहाँ पे आप करंट भी देख रहे हैं फॉर ए जंक्शन ए, वो मैं पहले आपको क्लियर कर दिया कि I1 प्लस I2 और I3 की डायरेक्शन उल्टी है, तो I3 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दैट इज I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एट जंक्शन डी पे आप देखिए, ये जंक्शन डी है, यहाँ पे I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 यहाँ से निकल रहा है, सो अगेन I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। किसी भी जंक्शन पे आप कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, करंट जितना अंदर आता है उतना ही बाहर जाना चाहिए, दैट मीन्स उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है दैट विल बी ज़ीरो। वो फर्स्ट रूल है फॉर करंट, और दूसरा रूल है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।